बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दोनों ही राज्यों में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आपको बताते चले, दोनों में वैसे तो विधानसभा की कुल 60-60 सीटें हैं, लेकिन 59-59 सीटों पर मतदान जारी है। सुरक्षा व्यवस्था जबरदस्त की गई है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 60 सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आज, और इस बार चौतरफा लड़ाई देखने को मिलेगी। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शिलांग के एक पोलिंग स्टेशन में। आपको सुबह का नजारा दिखा देते हैं। सुबह से काफी लोगों का जो जवाब रहा वो दिखने को मिल रहा है, और अगर हम लोग टर्नआउट की बात करें तो पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2018 में तो 86% टर्नआउट हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि मेघालय के इतिहास में, मेघालय का जो एक हिस्ट्री है, वहाँ पे लोग काफ़ी तादाद में मतदान करते हैं, और आधा से ज़्यादा जो इलेक्टोरेट है, 21 लाख लोग इस बार चुनाव में हिस्सा लेंगे और अपना जो मतदान है वो करेंगे। उसमें से आधा मतलब 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर। नागालैंड में बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार में है, वहां पर एक साथ चुनावी मैदान में, लेकिन मेघालय में अकेले ही जिनके साथ 5 साल सरकार चलाई उन्हीं के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए इस वक्त चुनावी मैदान में पार्टियां ताल ठोक रही हैं।